है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बात करेंगे कंपाइलर के बारे में, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, लेट सपोज सी या जावा, तो आपको पता होगा कि कंपाइलर को ये कैसे ट्रांसलेटर होता है, जो क्या करता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का क्या पर्पस है? मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का पर्पस ये है कि जो हमारा हार्डवेयर है, जो भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं, वो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको नहीं समझता, वो केवल समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज को, लेट से जीरो और वन। अगर आपने मैट्रिक्स पिक्चर देखी होगी तो आपको याद होगा, जब कभी मैट्रिक्स में दिखाते हैं, जब वो सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं तो जीरो वन का एक ग्राफ बना हुआ आता है। तो वो क्या है? वो एक मशीन लेवल लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होती है अगर हम कंपेयर करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सी या जावा से। और अगर हम बात करें कि सी और जावा के अंदर कोई भी कोड लिखा हुआ है वो कैसे मशीन में वर्क करता है, तो वो कंपाइलर के थ्रू वर्क करता है। तो जानते हैं कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या करता है कि वो एक प्रोग्राम, जो इनपुट प्रोग्राम है, जो कि नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, उसको पिक करता है, एक तरह से आप ये समझिए उसको ट्रांसलेट करता है, मतलब कन्वर्ट करता है एक लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज बोले तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर का मेन काम यही होता है। इसके अंदर बहुत सारे पर्टिकुलर अदर अदर फीचर्स भी होते हैं, लेकिन कंपाइलर का मेन काम यही होता है। तो हम जानते हैं थोड़ा सा बेसिक आर्किटेक्चर के थ्रू। तो अगर आप बेसिक आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि कंपाइलर क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसलेट कर इनटू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी या जावा, उसको लिया उसने, उसको प्रोसेस करा, उसको ट्रांसलेट करा, उसको लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब लेट सपोज उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आपने कभी अगर सी का प्रोग्राम बनाया होगा तो उसमें क्या होता है, आप जब लिखते हो कोई भी फाइल बनाते हो, लेट सपोज एडिशन का आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो एड डॉट सी बनाते हो। अगर आप हम बात करें विंडोज के अंदर, तो विंडोज के अंदर अगर आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो क्या फाइल बनती है आपकी, एड डॉट ई एक्स सी बनती है ना। अगर हम उस एड डॉट ई एक्स सी को अगर हम रन करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हमारा प्रोसेस्ड कोड होता है, लो लेवल लैंग्वेज कोड होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जिसको हम क्लिक करके ओपन करके उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसका हम सोर्स कोड नहीं देख सकते कि क्या उसमें कोड लिखा है। बेनिफिट ये भी है कि भाई उसके अंदर जो कोड था हमारा वो हाइड हो गया। एक बेनिफिट ये भी है कि उसको दोबारा से कंपाइल करने की, मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, या फिर अगर हम कहें कि उसको जो टाइम लगता सिस्टम लेवल लैंग्वेज में समझने में, उसको उसने कम कर दिया। उसने क्या करा, एग्जीक्यूटेबल कोड बना दिया, बस सिंपल आप क्लिक करो, आप अपना कमांड डालो, प्रोसेस करो, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका कंपाइलर का, एक तरह से आप बेसिक बेनिफिट भी कह सकते हो। कंपाइलर क्या करता है, आपके जो एरर्स हैं या वार्निंग्स हैं, जैसे मैं डेवलपर हूं तो मेरे को वो बता देगा जब मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को कि भाई इसके अंदर ये एरर्स हैं, सेमी कॉलन मिस कर दिया आपने, या आपने टाइप डिक्लेयर नहीं करा, या फिर आपने वेरिएबल का नाम, आपने अनडिफाइंड वेरिएबल का नाम यूज कर लिया। तो इस तरह से वो कुछ कुछ वार्निंग्स और एरर्स हमें देता है, जिससे कि जब हम एग्जीक्यूटेबल कोड बनाते हैं उसका, जब हम कंपाइल करते हैं तो वो प्रॉपर करेक्टेड वे में बनता है। अब कंपाइलर और क्या काम करता है, कंपाइलर अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कर रहा है, वो अगर हम डेफिनेशन में देखें तो एस्काई सोर्स प्रोग्राम सी या जावा, जो भी सी प्लस प्लस मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है उसको। ओके, अब डेजिग्नेटेड हार्डवेयर के फॉर्म में अगर हम सी का बात करें, तो सी की क्या होता है कि अगर हम कोई फाइल किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर पे कंपाइल कर रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर हार्डवेयर पे चलता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, आप विंडोज में चला रहे हैं तो ईएक्सई फाइल बनेगी, मैक में चला रहे हैं तो डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल बनेगी, लिनक्स में चला रहे हैं तो डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल बनेगी। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा हाई लेवल आर्किटेक्चर के बारे में, कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कंपाइलर है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रंट एंड एनालिसिस, बैक एंड एनालिसिस। अगर हम इसको समझें, फ्रंट एंड एनालिसिस क्या करता है, सिंपल वो कोड को चेक करता है कि भाई कोड का फॉर्मेट सही है या नहीं है, और उसको क्या करता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ना वो हाई लेवल लैंग्वेज होती ना लो लेवल लैंग्वेज होती, वो एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होता है। बैकएंड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेटेड कोड है, उसको जो हमारा हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग उसको वो फॉर्मेट कर देता है।
सिंपल ये समझिए, एक आपने कोड लिखा a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर तो इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी प्लस वन, और अगर है तो फिर a इज इक्वल्स टू a इंटू टू, यही है ना इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्या करा उसने, ब्रेक कर दिया, एक वेरिएबल लिया अंडरस्कोर टी वन, उसमें क्या करा बी प्लस वन की वैल्यू को असाइन करा, एक और वेरिएबल लिया उस टी टू, उसके अंदर क्या करा जो इफ कंडीशन है उसकी वेरिएबलियन वैल्यू को असाइन करा, फिर उसके बाद उसने क्या करा कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो आगे प्रोसेस करा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इसने क्या करा कि एक जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में जो कि एक कॉमन लैंग्वेज होगी उसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद का पार्ट हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, ऑप्टिमाइज करना कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को ऑप्टिमाइज करना, तो वो टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ कंपाइलर जो मैंने अभी आपको बताया, कंपाइलर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, बैक फ्रंट एंड होता है फ्रंट एंड एनालिसिस, बैक एंड सिंथेसिस। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एनालिसिस स्टेज के अंदर कि फ्रंट एंड एनालिसिस होता क्या है, फ्रंट एंड एनालिसिस के अंदर चार स्टेप्स होते हैं। पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस स्कैनिंग, इसके अंदर क्या करता है जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो स्कैन करता है और उनको टोकन फॉर्मेट में ग्रुप करता है। टोकन फॉर्मेट, टोकन क्या होते हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अगर हम सी प्रोग्राम की बात करें तो कुछ उसके अंदर हमारे जो नेम्स हैं वो प्रीडिफाइंड होते हैं, कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, इंटीजर्स डबल फ्लोट्स ये उसके अंदर रिजर्व्स होते हैं, डेलिमीटर्स उसके अंदर रिजर्व्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ये सारे के सारे उसके अंदर रिजर्व्स होते हैं, पहले से ही प्रीडिफाइंड होते हैं। चलो अब देखते हैं, इसने एग्जाम्पल के लिए लिया उसने लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर इंट ए, पहले उसको इनिशियलाइज करा, फिर उसके बाद उसने क्या करा कि a इज इक्वल्स टू a प्लस टू, ए की वैल्यू में 2 और ऐड कर दिया। अब लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, शब्द मतलब जो एक तरह से आप डिक्शनरी समझिए, जो भी आपने इनपुट करा है एक डिक्शनरी से उसने मैच करा, आप जैसे डिक्शनरी में चेक करते ना, और उसको उससे एलोकेट कर दिया। अब जैसे इंट का क्या रिजर्व वर्ड है, टी अंडरस्कोर इंट, ए का क्या है टी आइडेंटिफायर, सेमीकोलन एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ऐसी सिंपल ए एक आइडेंटिफायर हो गया, इक्वल एक ऑपरेटर हो गया, फिर ए एक आइडेंटिफायर हो गया, प्लस एक ऑपरेटर हो गया, टू आपका कांस्टेंट हो गया, सेमीकोलन हो गया। तो इसने क्या करा, डिक्शनरी में से पर्टिकुलर जो भी वर्ड्स हैं उनको जो हमने इनपुट कोड के अंदर जो हमने डिफाइन करे उनसे उसको मैच करके उनसे असाइन कर दिया। ओके, ये हो गया आपका लेक्सिकल एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस, पार्सिंग आपने पढ़ा होगा, जो भी टोकन हमें मिले थे स्कैनिंग करने के बाद उसको हम पार्स करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। अभी इसने एक्सप्रेशन लिया, अब इसने क्या करा, ए को किससे चेंज कर दिया इसने, वेरिएबल से। ए क्या है, हमारा वेरिएबल है, टू हमारा, अभी हमने इसका एक्सप्रेशन रखा है, अभी वो क्या कर रहा है लूप के अंदर एक एक वैल्यू को वो प्रोसेस कर रहा है। आप ऐसे मानिए, इसने क्या करा, ए को एक वेरिएबल डिफाइन करा, उसको टू को अभी एक्सप्रेशन ही रखा है, वेरिएबल को आइडेंटिफायर, वेरिएबल हमारा क्या था, आइडेंटिफायर था ना, ये आप देखिए पुराने के अंदर, ये देखिए ना, ए टी अंडरस्कोर आइडेंटिफायर, ये एक प्रॉपर इसका एक टोकन नेम हो गया, एक प्रॉपर रिजर्व्ड वर्ड हो गया। ठीक है, वेरिएबल को अगर हम ऐसे बात करें, ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर, ये हमारा मिल गया एक टोकन प्रॉपर। अब इस पे आ जाएगा, ये टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं इसके अंदर, टी अंडरस्कोर कॉन्स्टेंट से, वेरिएबल को टी अंडरस्कोर आइडेंटिफायर। तो ये लूप के अंदर जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे कोड की उसको इस तरह से प्रोसेस करेगा, जब तक कि वो फाइनल जो प्रॉपर स्ट्रक्चर टोकन्स हैं, जो डिफाइंड टोकन्स हैं, उसको मीट नहीं कर लेता। तो सिंपल यही है कि हमने जो भी हमारे इनपुट्स, जो हमारे सोर्स कोड है, सोर्स कोड में लाइन बाय लाइन हमने एक, आप मान के चलिए लूप चलाया, एक एक वेरिएबल को या एक एक जो भी कीवर्ड है या वर्ड है उसको हमने प्रोसेस करा, हमने जो भी मैचिंग टोकन आइडेंटिफायर है उससे हमने उसको मैच करा और उसको उससे रिप्लेस करा। अगर हमें नहीं मिलता है तो ये कि एरर हो गया, एरर रिटर्न कर देगा कंपाइलर। ओके, अब देखते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस मैंने हिंदी में भी लिख रखा है अर्थ, भाई जो हमने कोड लिखा है क्या उसका कोई सेंस बनता है, कोई मीनिंग बनता है। एग्जाम्पल के अंदर क्या कर रखा है, इसने एक एरे वैल्यू ली है 2 और एक सी लिया है, ये एरे वैल्यू 2 इंटीजर टाइप का है, एक एरे है उसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, और एक ये सी उसने एक इंटीजर टाइप का लिया है। अब इस क्या कर रहा है, ये सी
इज इक्वल्स टू एरे इंटू 10, एरे को वो पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर रेफरेंस के लिए मैंने जो एडिटर है उसके अंदर ये कोड खोल रखा है प्रोग्रामिंग का। अगर हम इसके अंदर देखें कि अगर हम ये लाइन हटा देते हैं, अब हम इसको सेव रन करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे, तो ये सिंपली जो एडिटर है, एडिटर ही एरर दे रहा है। एडिटर क्या एरर दे रहा है? एक्सप्रेशन मस्ट हैव अर्थमेटिक टाइप। अर्थमेटिक टाइप मतलब कि एक मैथमेटिकल इंटीजर, मतलब एक इंटीजर या फ्लोट या कोई भी डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए, ये एक एरे टाइप का है। देखो सिमेंटिक एनालिसिस एरर दे रहा है ना। तो सिमेंटिक एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी है क्या वो फिजिबल है, क्या उसका कोई सेंस बनता है, इलॉजिकल तो नहीं है। अब ये देखिए ये क्या है, ये आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स्ड वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी है एक पर्टिकुलर वैल्यू से। तो इट मेक सेंस कि आपने एक एरे है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यूज हैं, आपने क्या करा कि जो सेकंड पोजीशन पे जो 3 वैल्यू है, 3 लिया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 30 आया, इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप बात करें कि पूरे एरे को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की, तो इज पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करेगा, एरर देगा। तो वही इसके अंदर सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर है कि क्या आप जो कोड लिख रहे हो क्या उसका कोई सेंस बनता है, कोई एरर तो नहीं है, कोई इलॉजिकल चीज तो नहीं है। तो मोस्ट सेमेंटिक एनालिसिस प्रिटेंड्स टू चेक द टाइप्स, ऑल्दो द सी फ्रेगमेंट एवर विल स्कैन इनटू द वैलिड टोकन्स एंड सक्सेसफुली मैच द रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सप्रेशन। अब अगर हम बात करें प्रीवियस स्टेप्स की, प्रीवियस स्टेप्स के अंदर सारा का सारा सही है, भैया एक इंटीजर टाइप का एक एरे इंडेक्स वैल्यू है, एक सी आपने एक इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करा है, आप एक एरे जो है एरे वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो 10 से। तो वो पुराने स्टेप्स में अगर आप प्रीवियस स्टेप्स की बात करें तो बिल्कुल सेंस करता है, वो इस स्टेप पे आएगा। लेकिन इस स्टेप पे क्या करेगा कि भाई जो एरे वैल्यू वेरिएबल है कैन नॉट मल्टीप्लाई विद ए पर्टिकुलर वैल्यू, तो इसलिए वो इधर से वो एरर थ्रो करेगा। ऑपरेशन क्या होता है, क्या होता है कि कुछ डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं, कुछ डेवलपर्स शॉर्ट कोड लिखते हैं। क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कोड होता है उसके एक प्रॉपर स्टेप्स डिफरेंट वे में होते हैं। लेकिन आज की डेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वे में बनाई गई है कि हम जो कोड लिखते हैं वो फटाफट या क्विकर वे में हम उसको क्रिएट कर सकें। अब उसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर हम बात करें कि जो हम कोड लिखते हैं वो हम शॉर्टकट वे में लिखते हैं, आप माने तो जनरेशन में क्या होता है, जो भी हमने लॉजिक लिखा है उस लॉजिक को ब्रेक करके सेपरेट मल्टीपल स्टेप्स में, मल्टीपल लाइंस में उसको सेपरेट करके वो हम प्रोसेस करते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज हैं, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी, तो इसमें क्या करा हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, माफ कीजिएगा ये अलग लाइन में आना चाहो, तो इसने क्या करा कि टी वन इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, ये एक अलग टी वन में डाल दिया, ये एक टी टू में डाल दिया, जो इनका जो सॉल्यूशन आया उसका हमने टी थ्री में डिफाइन कर दिया और उसको हमने ए को असाइन कर दिया। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट कोड हो गया। हमने क्या करा था, एक ही लाइन में लिख दिया था ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी। उसने क्या करा, उसको एक पर्टिकुलर स्टेप्स में सेपरेट सेपरेट लॉजिक्स को सेपरेट लाइन में डिफाइन करके उसको वो एक इंटरमीडिएट कोड के अंदर क्रिएट कर दिया। अब हमने बात कर ली फ्रंट एंड एनालिसिस की, अब हम आते हैं बैक एंड सिंथेसिस स्टेजेस पे, ठीक है। बैक एंड के अंदर क्या होता है, जो हमने कोड लिखा है उसको वो ऑप्टिमाइज करता है, आईआर ऑप्टिमाइज, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइज कोड को ऑप्टिमाइज करता है। तो उससे पहले हम जब समझते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सो फिर से मैं वही बात कहूंगा, जो डेवलपर्स होते हैं वो बहुत ही लेजी होते हैं, कुछ डेवलपर्स थोड़ा सा कुछ कुछ करना नहीं चाहते लेकिन वो बाय चांस हो जाता है। अब इस कोड को अगर आप देखेंगे तो आपको पहला कोड भी सही लगेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, सेकंड राइट हैंड साइड वाला कोड भी सही लगेगा, ठीक है। अब हम इसमें कोड डेवलपर की बात नहीं कर रहे, अब इसमें कंपाइलर की बात कर रहे हैं। अब मानिए कि एक कंपाइलर जो लिखा है, मतलब वो इस वे में लिखा है कि जो व्हाइल लूप है उसके अंदर एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। ये जो व्हाइल लूप है इसकी जो वैल्यू है y प्लस जेड, ये लूप के अंदर इनिशियलाइज कर रहा है बार बार, टी नॉट इज इक्वल्स टू y प्लस जेड। ये ज्यादा आपका ऑप्टिमाइज्ड कोड है या फिर ये बताइए, टी नॉट इज इक्वल्स टू y प्लस जेड लूप के बाहर इसने इनिशियलाइज कर दिया। फ्रॉम माय पॉइंट ये सेकंड वाला ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेशन है, लेट सपोज एक बाइट है तो एक बाइट रहेगा, इसके अंदर मान लो 100 लूप है तो 100 इंटू 100 बाइट्स होगा,
ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाइट्स ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये ज्यादा ऑप्टिमाइज है कि ये ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ये वाला ज्यादा ऑप्टिमाइज है ना, क्योंकि जितना कम रिसोर्स उतना कम टाइम फिर कोड एग्जीक्यूशन में भी लगेगा, और उतने ज्यादा पैरेलल मल्टीपल कोड्स भी आप रन कर सकते हैं सेम आपके उस पर, ऐप क्या कहते हैं कंप्यूटर पे, सेम आपके सर्वर पे। सो एक बार थोड़ी डेफिनेशन समझते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। टर्म ऑप्टिमाइजेशन इंप्लाइज लुकिंग फॉर एन ऑप्टिमाइजेशन पीस ऑफ कोड ऑफ अ प्रोग्राम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि भाई ऑप्टिमल वे, ऑप्टिमल पीस, बेस्ट पीस हो जो कोड का है, कम से कम रिसोर्स यूज करे, कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट वे में। दिस इज द जर्नल अनडिसाइडेबल एग्जाम्पल क्रिएटिंग अ प्रोग्राम दैट कैन बी सिंपल। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये भी मत मानिएगा कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ये बेस्ट है, और भी बेस्ट हो सकता है, इससे भी ऊपर हो सकता है। ठीक है ना, अब व्हाट आर वी ऑप्टिमाइजिंग, तो ऑप्टिमाइजर क्या करने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। ऑप्टिमाइजर ट्राई टू इम्प्रूव द कोड यूजेज विद रेस्पेक्ट टू मैनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। सो कुछ क्वालिटीज जैसे मैंने आपको बताया, रन टाइम, मेमोरी यूजेज, पावर कंजम्पशन एंड लॉट मोर, लाइक आपका मिनिमाइज फंक्शन कॉल्स हो, आपके जो भी फंक्शन हैं उसको कम से कम यूज करें, और आपका जो हार्डवेयर है उसको कम से कम यूज करें। मैं पावर कंजम्पशन, अगर आपकी प्रोसेसिंग टाइम कम होगा तो आपका जो पावर कंजम्पशन है वो डायरेक्टली कम हो जाएगा। अगर आपकी मेमोरी एलोकेशन, जो आप लेट सपोज कि कोई कोड आपका 1 MB रैम ले रहा है, कोई आपका 100 MB रैम ले रहा है, तो 100 MB रैम में क्या होगा कि जो फैन है वो हीट करेगा, जो उससे आपका प्रोसेसर है वो आपका हीट करेगा, उससे क्या होगा कि आपका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा मेमोरी यूजेज से। और आप प्लस आप अगर आपका 1 MB कोड ले रहा है और आपका 1 GB हार्ड डिस्क है, तो 1024 इतने आप कोड को रन कर सकते हैं पैरेलल। और कोई 100 MB ले रहा है तो आप 10 सेम पैरेलल कोड्स रन कर सकते हैं, तो आपका मेमोरी यूजेज भी मैटर करता है। इस सबसे क्या होता है कि जो आपकी कंपनी की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी कितना कॉस्ट बियर कर रही है पर्टिकुलर हार्डवेयर पे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम समझ गए हैं। अब हम अगला देखते हैं पॉइंट, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन। जो इंटरमीडिएट कोड जो प्रीवियस स्टेप्स में जनरेट हुआ था उसको ऑप्टिमाइज करना। हमने आपका एग्जाम्पल भी दिखाया था कि जो कोड जनरेट हुआ, लेट सपोज ये आपका कोड जनरेट हुआ, कंपाइलर ने क्या करा उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। तो सिंपल यही हो गया, कोड को ऑप्टिमाइज करना। तो बहुत सारे इसके अंदर फैक्ट मतलब चीजें चेक करी जाती हैं, कोड को कैसे हम कम साइज कर सकें इसको, उसमें जो यूज जो अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं, तो लूप्स को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखी जाती है। अब वही एग्जांपल जैसे हम बात करें तो कि भाई जो कोड है उसको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। अब जो हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो गया, अब हमने उससे क्या करा कि उससे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करा। अब इसमें क्या है, जो टारगेट प्रोग्राम है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज में आपका मल्टीपल फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जैसे x86 हमने एक पढ़ा था। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में उसमें वो क्या करता है कि जो हमारा कोड है, ऑप्टिमाइज्ड कोड है, इंटरमीडिएट कोड, उसको वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिंपल यही है कि जो हमने कोड लिखा है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद उसी कोड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जो भी हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कोड कन्वर्ट हुआ है उसको वो क्या कर रहा है कि उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, जैसे हमने प्रीवियसली ऑप्टिमाइज करा था इसको वही फिर से ऑप्टिमाइज कर रहा है ताकि रिसोर्स एलोकेशन और कम हो सके। ठीक है ना, अब कुछ हम एडिशनल नोट्स की बात करेंगे। कंपाइलर के बारे में हमने बात कर लिया, कंपाइलर के अंदर क्या होता है कि मशीन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है किसी भी कोड को। ठीक है, आपने स्टेप्स पढ़े, आपका एक फ्रंट एंड एनालिसिस होता है, एक आपका बैक एंड सिंथेसिस होता है। फ्रंट एंड एनालिसिस के अंदर लेक्सिकल एनालिसिस होता है जिसके अंदर की वो टोकन्स मैच करता है पर्टिकुलर जो भी हमने इनपुट कोड लिखा है, सोर्स कोड लिखा है। सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर क्या करता है, वो प्रॉपर जो कोड है, कोड को पहले तो हमने डिक्शनरी से मैच करा था, एक एक वेरिएबल को हाँ एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उधर से रिटर्न करता है। सिंटेक्स एनालिसिस में क्या करता है, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को मैच करता है कोड से, समझ रहे हो। एक डिक्शनरी हमने ले रखी है, उस डिक्शनरी में से मैच करके जो लॉजिक है, जो स्टेटमेंट है उसको वो रिप्लेस करता है। सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्या करता है, जो उसके अंदर जो कोड के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है
इज इट मेक सेंस, मतलब कि चेक करता भाई, अपने दिमाग से सोचिए कि भाई क्या वो फिजिबल है। ठीक है, तो वो उसको चेक करता है। उसके बाद क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे एक इंटरमीडिएट जो मिडिल कोड है उसको एक प्रॉपर जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा कोड जनरेट हुआ है वो बैकएंड सिंथेसिस के अंदर जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जो हमने कोड लिखा है इंटरमीडिएट, उसको वो क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड को जो हमने कन्वर्ट करा है, जो मतलब कंपाइलर ने कन्वर्ट करा है, उसको क्या करता है, वो ऑप्टिमाइज करता है, और फिर उसको जो टारगेट प्रोग्राम है उस पर हम उसको रन करते हैं। जो हमारा टारगेट प्रोग्राम है वो जनरेट हो जाता है, उसको वो हम रन करते हैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल नोट्स की इसके बारे में। एडिशनल नोट्स के अंदर हम बात करेंगे सिम्बॉलिक टेबल है, जो सिम्बल टेबल है, जो देर आर वेरी फ्यू एक्टिविटीज दैट इंटरेक्ट विद वेरियस फ्रेजेज अक्रॉस बोथ द स्टेजेस। वन इज सिम्बॉलिक टेबल। सिम्बॉलिक टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द आइडेंटिफायर्स प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट सच एज टाइप्स स्कोप्स आइडेंटिफायर, जो मैंने आपको बताया था लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। जो डिक्शनरी है, सिम्बल टेबल क्या हो गया आपका, डिक्शनरी हो गई आपकी, जिससे कि आप प्रॉपर चेक कर रहे हो कि भाई ये जो मैंने कोड, जो कोड की स्टेटमेंट्स है, कोड के जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, वो क्या मैच कर रहे हैं मेरी डिक्शनरी से। आप इस तरह से समझिए ना। अब एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग भी हर किसी स्टेज में होती है। एरर हैंडलिंग जैसे कि सिम्बॉलिक टेबल से हम जो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर कर रहे हैं, जो डिक्शनरी से मैच कर रहे हैं, अगर नहीं मिला एरर रिटर्न कर दिया। सिंटैक्स एनालिसिस में दोबारा चेक करते हैं, नहीं मिला कोई एरर रिटर्न कर दिया। सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर भाई लॉजिक इलॉजिकल है, उसको एरर रिटर्न करके बैकएंड मतलब रिटर्न करके थ्रो कर दिया एरर को। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए एरर हैंडलिंग। वन पास वर्सेस मल्टी पास। वन पास वर्सेस मल्टी पास का मतलब सिंपल, आप मानिए कि कोई आपने वैल्यू है, आपने कोई कोड है, कोड को आप एक पर्टिकुलर स्टेप से सेकंड स्टेप में लेके जा रहे हैं, तो जो कोड पास हो रहा है, जो प्रोसेस होके पास हो रहा है, वो एक तरह से पासिंग हो गई एक तरह से। ये मान के चलिए कि आपने कोई कोड लिखा है 10 लाइन का है, 2 लाइन का, क्या करा लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर गया, कुछ उसके अंदर लॉजिक प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस होके ने जो एंड रिजल्ट आया उसको सिंटैक्स एनालिसिस में पास करा, जो उसमें एंड रिजल्ट आया उसको सेमेंटिक एनालिसिस में पास करा, उसका इंटरमीडिएट कोड में, एंड सो ऑन। तो ये आपका पासिंग हो गई। हम एक बार और देख लेते हैं दोबारा से इस कंपाइलर के पूरे आर्किटेक्चर को। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करा लेक्सिकल में, सिंटैक्स चेक करे उसके, उसका लॉजिक चेक करा, उसको इंटरमीडिएट कोड में, जो मिडल लेवल कोड हम बोलेंगे एक तरह से, उसमें कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया एक तरह से लॉजिक को हार्ड हाई लेवल के, और उसको सिंपल स्टेप में डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या करा, उसने उस कोड को ऑप्टिमाइज करा, उसको फिर उसने ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करा, उसको फिर ऑब्जेक्ट कोड ऑप्टिमाइज करा, जो हमारा फिर उसके बाद हमें क्या मिला, टारगेट सोर्स कोड ईएक्सी फाइल मिली, अगर हम बात करें विंडोज के अंदर। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, तो ये हमारा ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। आपको पसंद आया हो तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी कुछ और आपको कुछ और इसके अंदर समझना हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। प्लस अगर आप कुछ नया टॉपिक जानना है आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगा हो आप हमें बताइए। थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।